हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल 021। तो आज से हम फ्रैक्शन टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को पढ़ा था तो हमने देखा था कि फ्रैक्शन टॉपिक एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम में। तो फ्रैक्शंस को अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आगे जो आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक्स आते हैं उनमें फ्रैक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये हर कहीं सवालों में घुस जाता है, तो उन सवालों से डील करने के लिए आपको फ्रैक्शंस आना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं फ्रैक्शंस की, फ्रैक्शन ना बहुत ही आसान टॉपिक भी है, तो अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको आगे दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज फ्रैक्शंस को। तो अगर हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ होल, और मोर जनरली वी कैन से एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। मतलब जो फ्रैक्शन होता है वो किसी होल के, मतलब कोई होल है, मतलब हमारे पास होल यानी कि पूरी चीज, तो किसी पूरी चीज के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या फिर हम जनरली कहें तो जो फ्रैक्शन होता है वो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। पर आपसे अगर कोई पूछे कि फ्रैक्शन क्या है तो आप ये भी कह सकते हो कि फ्रैक्शन इंडिकेट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल थिंग। मतलब फ्रैक्शन जो है किसी भी पूरी चीज के जो इक्वल टुकड़े हैं उनको रिप्रेजेंट या इंडिकेट करता है। तो फ्रैक्शन को लिखने का ये तरीका होता है, जैसे कि ये लिखे एग्जाम्पल में 1/2, 4/5, 2/9, ठीक है। तो देखो ये 1/2 का मतलब क्या है, या 4/5 या 2/9 इनका क्या मतलब है, तो ये यहाँ पे आप समझो। तो यहाँ मैंने कंसिडर किया है 1/2 को, तो इसका मतलब है इट मीन्स दैट वन होल थिंग इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट ऑफ दीज टू पार्ट इज टेकन। मतलब जब हम बोल रहे हैं कि 1/2, तो 1/2 का मतलब है अगर हमारे पास कोई एक चीज है, ठीक है, पूरी चीज है, ठीक है, और हमने उसके दो बराबर टुकड़े कर दिए, तो जो दो टुकड़े होंगे उनमें से किसी एक पार्ट को हम उठाएंगे तो हम कहेंगे कि ये उस पूरी चीज का 1/2 पोर्शन है। 1/2 को हाफ भी बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये उस चीज का हाफ है। सपोज वी शेयर वन एप्पल बिटवीन टू चिल्ड्रन, ईच वुड गेट हाफ ऑफ द एप्पल। मतलब देखो अगर हमारे पास दो बच्चे हैं, ठीक है, और एक सेब है, तो हमको दोनों को देना है बराबर, तो कैसे देंगे, बीच में से काट दो, दो इक्वल पार्ट्स हो गए। तो जो एक इक्वल पार्ट, जो एक पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ एन एप्पल। सिमिलरली दूसरे को, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करने के लिए दोनों बच्चों को हाफ ऑफ एप्पल दे देंगे, तो बराबर क्वांटिटी में मिल जाएगा दोनों को, समझे। तो जो फ्रैक्शन होता है वो किसी भी पूरी चीज के इक्वल टुकड़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम देखते हैं कि एक फ्रैक्शन अगर लिखा हुआ है तो वो क्या क्या चीजें हमें बता सकता है, यानी कि वो क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम 2/3 को कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी फ्रैक्शन ले सकते थे, बट 2/3 को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो लेट अस एग्जामाइन व्हाट आइडियाज ए फ्रैक्शन 2/3 में रिप्रेजेंट, ठीक है। तो पहली चीज जो कि ये रिप्रेजेंट करता है वो है 2 out of 3 पार्ट्स। हम 2/3 के स्पेसिफिक हैं, 2/3 को लेकर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो 2/3 क्या करेगा, इट मे रिप्रेजेंट 2 out of 3 पार्ट्स। अगर तीन पार्ट है किसी चीज के तो वो दो पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा ये फ्रैक्शन। द शेडेड पार्ट ऑफ ईच फिगर विलो रिप्रेजेंट 2/3 ऑफ द गिवन फिगर। मतलब जो 2 out of 3 पार्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट किए गए हैं इन तीनों फिगर्स में। तो देखो ये ट्राइंगल्स हैं, आपको तीन ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक दो तीन, तो टोटल तीन ट्राइंगल हैं, और कलर्ड कितने, कलर्ड कह लो या शेडेड कह लो, दो हैं। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पूरे का 2/3 है, ठीक है, या फिर 2/3 है, और ये जो पार्ट है इधर पे ही रेक्टेंगल का, तो ये जो शेडेड है ये कलर्ड है ये भी 2/3 पार्ट है। सिमिलरली ये सर्कल में अगर ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो ये ग्रीन कलर जो है वो 2/3 पार्ट है इस पूरी सर्कल का, ठीक है। अब दूसरा क्या आइडिया रिप्रेजेंट कर सकता है, या मैं दूसरी कौन सी चीजें जो रिप्रेजेंट करेगा, तो इट मे रिप्रेजेंट 2 of 3 मेंबर्स। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ रिप्रेजेंट किया है 2 out of 3 फ्रूट्स आर बनानास, मतलब ये फैमिली में से रिप्रेजेंट कर सकता है मेंबर्स को, जैसे कि यहाँ एक फैमिली है फ्रूट्स की, तो यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट किया कि दो केले हैं तीन फ्रूट्स में से, ठीक है। तो यहाँ ये लिखा है 2 out of 3 फ्रूट्स आर बनानास। तीसरी चीज जो ये रिप्रेजेंट कर सकता है वो है रेशियो। तो द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वन ग्रुप कंपेयर्ड विथ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अनदर ग्रुप। रेशियो का मतलब यही होता है कि एक ग्रुप के जो मेंबर हैं उनको दूसरे ग्रुप से कंपेयर करो, देखो कि वो कितने कम हैं या कितने ज्यादा हैं विथ रिस्पेक्ट टू जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द पिक्चर बिलो, ये पूरी पिक्चर है, इसमें रेशियो जो है बॉयज एंड गर्ल्स का वो है 2:3 विच इज रिप्रेजेंटेड बाई द फ्रैक्शन 2/3। तो यहाँ बॉयज 2 है एंड गर्ल्स 3 है, ठीक है, तो 2:3 में हम इसको लिख सकते हैं।
तो तीसरी चीज ये क्या हुई कि ये रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकता है। चौथी चीज, इट में रिप्रेजेंट 2 डिवाइड बाई 3, द डिविजन ऑफ वन नंबर बाई अनदर। मतलब चौथी चीज है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि डिवीजन, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे कर रहा है कि 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम समराइज करें तो ये कहेंगे कि 2 बाई 3 इज अ फ्रैक्शन जो कि इन चारों चीजों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली चीज पार्ट्स को, 2 आउट ऑफ 3 पार्ट्स। दूसरी चीज फैमिली में से कितने मेंबर हैं उस चीज को। तीसरी चीज रेशियो को, और चौथी चीज डिविजन ऑफ टू नंबर्स को। ठीक है, तो ये था थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन, अभी कुछ चीजें और देखते हैं। तो अब देखो 2 बाई 3 तो हम मैथ्स की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, पर अगर हमको इंग्लिश में पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, तो इसको 2/3 पढ़ते हैं। 2/3, आपने सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट सुनी होगी, 2/3 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर हाईली इंटेलिजेंट। मतलब इस क्लास के जो 2/3 बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, समझे। 2/3 एनिमल्स आर शीप्स। अगर कोई एक फार्मर है वो बोल सकता है ऐसे कि मेरे पास जो 2/3 एनिमल हैं वो शीप्स हैं। मतलब उसके पास मान लो क्या कह सकते हैं आप, 30 एनिमल्स हैं। मान लीजिए उसके पास 30 एनिमल्स हैं टोटल, तो उसमें से अगर 20 शीप्स होती है तो वो कहेगा 2/3 एनिमल्स आर शीप्स। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट डज 3 स्टैंड्स फॉर। अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें 2 बाई 3 को या फिर 2/3 को, तो इसमें 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन टू विच द होल हैज बीन डिवाइडेड। मतलब जो 3 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि जो होल था, हमारी पूरी चीज थी, उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। व्हाट डज 2 स्टैंड्स फॉर, तो 2, अब जो ये 2 है इसको ये क्या क्या इसका मीनिंग है। ठीक है, तो इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बीन टेकन आउट, इट इज कॉल्ड न्यूमरेटर। तो देखो ये जो 3 था वो तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होगा जिसमें होल को डिवाइड किया, और जो 2 है वो पार्ट्स हैं जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो और हम इसको न्यूमरेटर भी कहते हैं। तो आप याद रखना, अगर एक फ्रैक्शन है तो जो ऊपर का पार्ट है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे के पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था फ्रैक्शन का। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से देख लो, फ्रैक्शन का मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है इक्वल पार्ट्स किसी पूरी चीज के। ठीक है, और जैसे कि हमने यहाँ पे 1/2 के केस में देखा, एक एप्पल था पूरा, उसके 2 पार्ट्स कर दिए हमने तो 2 बराबर पार्ट्स हो गए। तो इसमें देखो जो ऊपर का था वो 1 था, हम 1 को कंसिडर कर रहे हैं ना, तो इसलिए 1 आया 2 में से, और टोटल कितने पार्ट्स हुए, 2। तो जो नीचे का है जो टोटल पार्ट्स, वो डिनोमिनेटर, जिसको ऊपर कंसिडर किया जा रहा है वो न्यूमरेटर। ठीक है, और ये सारी चीजें कि एक फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, तो पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, दूसरा मेंबर्स को, तीसरा रेशियो को, चौथा डिवीजन को। तो अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। आपने ये टर्म सुना होगा अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा है तो इसकी डेफिनेशन है, 2 or more fraction having the same value। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन जिनकी सेम वैल्यू हो और रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ ए होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होने के लिए 2 कंडीशन हो गई, क्या कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन जिनकी सेम वैल्यू हो, पहली चीज ये हो सकता है, या फिर दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि वो सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे लिखा है द शेडेड पोजिशन इन ऑल फिगर्स बिलो आर कॉल्ड आर इक्वल, सॉरी यहाँ पे लिखा है द शेडेड पोर्शन इन द फिगर्स बिलो। ठीक है, ये जो फिगर्स दिए हुए हैं आर इक्वल। अब देखो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे भी हाफ सर्कल शेडेड है, यहाँ पे भी हाफ सर्कल है, यहाँ पे भी हाफ सर्कल है, यहाँ पे भी हाफ सर्कल है, पर आप फ्रैक्शन की वैल्यू देखो, यानी कि यहाँ जो फ्रैक्शन लिखा है वो डिफरेंट है। यहाँ पे पूरी सर्कल को 2 टुकड़े में बांट दिया है, 1 और 2, तो इसलिए 1:2। दूसरे में 4 टुकड़ों में बांटा है तो 2/4। तीसरे में 6 टुकड़ों में बांटा है, इसलिए नीचे टोटल टुकड़े हैं, और कंसिडर कितने किए जा रहे हैं, 3, तो इसलिए 3/6। और ये लास्ट वाली जो सर्कल है इसमें 8 टुकड़ों में डिवाइड किया है, तो इसलिए नीचे 8 आया, और ऊपर ये कितने शेड किए हैं, 4। तो अब देखो, अब ये क्या कर रहे हैं, ये चारों ही फिगर यानी कि चारों ही सर्कल्स में जो शेडेड पोर्शन है वो इक्वल है, मतलब हाफ सर्कल है, तो इसलिए ये जो सारे फ्रैक्शन है वो क्या होंगे, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। क्यों, क्योंकि वो सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि ये सेकंड कंडीशन थी यहाँ पे, या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। देयर फोर ये जो फ्रैक्शन है ये सारे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है, कोई भी एक हो जाए इन दोनों में से, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे फ्रैक्शन जिनकी या तो वैल्यू सेम हो। ठीक है, जैसे यहाँ 1/2 और यहाँ पे 1/2 हो जाए तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, आप इक्वल से समझ सकते हो, सिंप्लीफाई करने के बाद आप इनको भी सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये भी 1/2 ही आ जाएंगे। और दूसरी चीज,
या तो वो इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी सर्कल्स इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये शेडेड पोर्शन वाला, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन डज नॉट चेंज इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई सेम नॉन जीरो नंबर। यहाँ पे लिखा है क्योंकि किसी फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, कब, जब उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देयर फोर, मतलब इसीलिए, टू गेट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू अ गिवन फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई द सेम नॉन जीरो नंबर। तो इसीलिए इसने बोला है क्योंकि हम किसी फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। फ्रैक्शन डज नॉट चेंज, जो फ्रैक्शन की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, इसलिए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए किसी भी फ्रैक्शन का उसमें हम ऊपर नीचे नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल देखो, इसी चीज को समझा दिया है। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो मेरे पास 3/5 एक फ्रैक्शन है, अब मुझे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने, तो क्या करूंगा, मैं नॉन जीरो नंबर को पकड़ूंगा और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी ऊपर भी, तो नया फ्रैक्शन क्या आया, 6/10। तो 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आया, 9/15। और फिर 3/5 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से 12/20। तो ये जो फ्रैक्शन आए, 3/5, 6/10, 9/15, 12/20, दीज ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इनको किसी शेडेड पार्ट का एरिया अगर ये दिखाएंगे तो बराबर ही दिखाएंगे, ठीक है। और इनकी वैल्यू भी सेम है अगर आप इनको सिंप्लीफाई कर देते हो, ठीक है। जैसे इसको आप 2 से डिवाइड कर देना तो वैसे 3/5 आ जाएगा, 3 से कर दोगे तो 3/5 आ जाएगा। 12, ये 12/20 को अगर आप 4 से, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया ना, अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो तो वापस से 3/5 आ जाएगा। तो अब देखो, अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन दिए, ठीक है, जैसे ए बाई बी एंड सी बाई डी, और हमको चेक करना है कि वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो उसका सिंपल तरीका है, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, मतलब ए इंटू डी एंड बी इंटू सी। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, टू चेक वेदर टू फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट वी मे क्रॉस मल्टीप्लाई एज शोन, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ पे कंसिडर किया, लेट ए बाई बी एंड सी बाई डी बी टू फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई एज, जैसे दिखाया है, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल, मतलब ए डी इक्वल टू बी सी, देन दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अगर इक्वल होते हैं तो होंगे, नहीं होते हैं तो नहीं होंगे, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी। तो यही था आज के वीडियो में कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुए होते हैं, और ये जो फ्रैक्शन है उनका इंट्रोडक्शन। तो आगे ही क्लासेस में हम देखेंगे फ्रैक्शन के कौन से टाइप्स हैं, और फ्रैक्शंस पर क्या क्या जो ऑपरेशन है वो कैसे यूज होते हैं, और फ्रैक्शन में क्या क्या चीजें कैसे कैसे काम करती हैं, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो आज का ये जो वीडियो था फ्रैक्शंस का, वो मेनली इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो था। आपकी फ्रैक्शन से थोड़ी जान पहचान करवानी थी कि फ्रैक्शन होता क्या है, वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, और एक जो फ्रैक्शन का टाइप कह लो या फिर एक फ्रैक्शन की टर्मिनोलॉजी थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो हमने आज के इस वीडियो में कवर की, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने एंड से पूरी ग्राफिकली पिक्चर की मदद से आपको अच्छे समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको समझ में आ गया है ये, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे वो भी चीजें सीख सकें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में इस वीडियो के, ठीक है। फ्रैक्शन जहाँ पे हम और आगे देखेंगे और चीजें क्या क्या होती है फ्रैक्शन की, वो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।